Hi and welcome back once again to Judicious. Small business is the topic of discussion for today. क्या कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल बिजनेसेस का, इसको डिफाइन करेंगे, किस फ्रेमवर्क के अंदर ये काम करते हैं, क्या सोशल बेनिफिट्स सोसाइटी को मिलते हैं स्मॉल बिजनेसेस के होने की वजह से, और इन रिटर्न क्या इंसेंटिव्स स्मॉल बिजनेसेस को दिए जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सोसाइटी. सो विल बिगिन फर्स्ट विद द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस. बेसिकली स्मॉल बिजनेस अगर हम बात करें तो रिटेल ऑपरेशंस वाले जो बिजनेसेस हैं वो भी स्मॉल बिजनेसेस के अंडर में आ सकते हैं. जैसे रिटेलिंग कहाँ कहाँ पर होती है, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स या बेकरीज. तो रिटेलिंग एक कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल बिजनेसेस में रिटेलिंग ऑपरेशंस चल सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ सर्विस ऑपरेशंस जैसे कि हेयर ड्रेसर हो गए या फिर ट्रेड के लोग लाइक कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई प्रोडक्ट तो बेचते नहीं, दे आर इनटू सर्विस. तो ये भी हो सकता है कि स्मॉल बिजनेस का एक एस्पेक्ट हो सकता है, प्लस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का, सर्विस और रिटेल ऑपरेशंस भी बिजनेस स्मॉल बिजनेस के अंदर आ सकते हैं. जैसे कोई रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउसेस या फिर फोटोग्राफर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर माइट बी सम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वेब डिजाइनिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल बिजनेस सिर्फ सर्विसेज ऑपरेशंस करते हैं या सिर्फ रिटेलिंग में होते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स भी ऐसे होते हैं जो अपना खुद का स्मॉल बिजनेस ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, ये चाहे तो कोर्ट में प्रैक्टिस करें, किसी एमएनसी को या किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें उनके लीगल डिपार्टमेंट को, या फिर ये अपना खुद का भी कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट कर सकते हैं. सेम इज द केस विद अकाउंटेंट्स और इवन डॉक्टर्स, राइट? सो प्रोफेशनल्स भी स्मॉल बिजनेस अपना ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग का स्मॉल बिजनेस को. इसको सीधा डिफाइन करते हैं अब और स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं. ये बेसिकली कुछ प्राइवेटली ओन्ड कॉरपोरेशंस, पार्टनरशिप्स या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं, जहां पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और जो उनका एनुअल रेवेन्यू है वो नॉर्मल या फिर जो रेगुलर साइज्ड बिजनेस या कॉरपोरेशन है उनके कंपैरिजन में इन लोगों का एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एनुअल रेवेन्यू कम होता है, पहला. दूसरा, बिजनेस को अगर हम बोलें कि ये स्मॉल बिजनेस है तो वो बिजनेस स्मॉल तभी कहलाया जाएगा जब उसको हम इन दो टर्म्स में डिफाइन करें. पहला, वो बिजनेस जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए एलिजिबल है, मतलब कि उनका रेवेन्यू उतना नहीं है, सो दे कैन टेक्निकली अप्लाई फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज और सपोर्ट. दूसरा, टैक्स स्लैब के अंदर वो प्रेफरेंशियल टैक्स पॉलिसी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कि टैक्स में वो रिबेट के लिए भी एलिजिबल है. अगर ये दो सिचुएशंस ओके होती हैं तो ऐसे बिजनेस को स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, राइट? क्या क्या बेसिक फ्रेमवर्क होता है स्मॉल बिजनेसेस का, इसको एक बार स्टडी करते हैं. शू स्ट्रिंग बजट होता है इनका, लेबर इंटेंसिव होते हैं ये, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को ये ज्यादा यूज करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट शू स्ट्रिंग बजट, अब क्योंकि मैंने भी बताया कि या तो सोल प्रोप्राइटरशिप है या कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस स्मॉल बिजनेस को ऑपरेट करता है, तो बेसिकली ये बिजनेसेस शू स्ट्रिंग बजट पर ऑपरेट करते हैं, मतलब कि बहुत टाइट बजट पर ये बिजनेसेस जो है वो रन करते हैं, पहला. दूसरा, लेबर इंटेंसिव होते हैं स्मॉल बिजनेसेस, ज्यादातर लेबर पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए. इसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि बजट टाइट है, पहले बताया शू स्ट्रिंग बजट है, तो इनके पास मशीनरी की भी कमी रहती है बजट के ना होने की वजह से, तो सारे ऑपरेशंस ये मैन्युअली ही प्रोसेस करते हैं. तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड स्मॉल बिजनेसेस, जो है वो इस मोटिव के साथ सेटिस्फाई करा जाता है कि वो जो लोकल एरिया के लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पाए. और ये बिजनेसेस जो है वो डेमोग्राफिकली छोटे एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन को हाईलाइट करते हैं, को टारगेट करते हैं, तो इसलिए इनको कम्युनिटी बेस्ड भी बोला गया. नेक्स्ट इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस कम्युनिटी फोकस्ड हैं, लेबर ओरिएंटेड हैं, तो इसलिए जनरली ये
पुराने जो ऑपरेशंस के मेथड्स हैं उन पर रिलाय करते हैं। इंडिया में पर्टिकुलरली अगर बात करूं रूरल सेक्टर में, तो वो अब भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ही प्राइमरीली यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट में भले ही यूनिकनेस हो मगर ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट में ये रुकावट का काम करता है। नाउ लेट्स लुक एट द सोशल बेनिफिट्स। सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल बिजनेसेस से? फर्स्ट इज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, रूरल और जो लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हैं। अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करने में हेल्प करते हैं, प्लस लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, प्लस जो इनकम और वेल्थ का जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसको ये इंश्योर करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम और वेल्थ का, प्लस लोगों को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाने में भी हेल्प करते हैं। फाइनली द लास्ट लेग ऑफ द टॉपिक वो है स्मॉल बिजनेसेस को के इंसेंटिव। स्मॉल बिजनेस करने वालों को क्या इंसेंटिव मिलते हैं? तो पहले तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि इंसेंटिव या सब्सिडी वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो किसी व्यक्ति को हार्डवर्क करने के लिए या ज्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए उसको मोटिवेट करता है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड्स एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सैलरी, एथलीट्स के लिए रिवॉर्ड्स। तो इंसेंटिव पे बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और बिजनेस ग्रोथ के साथ। बहुत सारे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज जो हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के थ्रू, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को प्रमोट कर सकें और उनको लार्ज स्केल सेक्टर से प्रोटेक्ट कर सकें। कैसे, कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रिजर्व कर रखा है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर के पास। दूसरा, प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब भी कुछ प्रोक्योरमेंट करते हैं अपने ऑफिसेस के लिए तो वो प्रेफरेंस हमेशा स्मॉल स्केल सेक्टर को देते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल ने 400 आइटम्स ऐसे एक्सक्लूसिवली उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो ये स्मॉल स्केल सेक्टर से ही परचेज करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस प्रेफरेंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स को प्राइस प्रेफरेंस दिया जाता है मैक्सिमम ऑफ 15% तक का, वो कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल यूनिट से। देन इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की सप्लाई रेगुलरली मिलती रहे इस बात को इंश्योर करने के लिए, और प्लस इंपोर्टेड कंपोनेंट या इक्विपमेंट, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी एलोकेशन कर रखा है स्मॉल स्केल सेक्टर को इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल सेक्टर। कोई भी अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है और उसकी सप्लाई अगर चाहिए तो पहले पहुंचेगा स्मॉल सेक्टर के पास, बाद में जाएगा वो लार्ज सेक्टर को। नेक्स्ट वी हैव एक्साइज ड्यूटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स को एक्साइज ड्यूटी कंसेशन मिलते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड यूनिट दोनों के लिए अवेलेबल है, ग्रेड बेस पर है। आप पीछे टेबल में ग्रेड देख पा रहे होंगे, अगर एनुअल प्रोडक्शन वैल्यू रुपीज में अप टू 30 लाख है किसी एसएसआई यूनिट का तो उन्हें कोई एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी। अगर एनुअल प्रोडक्शन वैल्यू रुपीज में 30 से 75 लाख है तो एक्साइज ड्यूटी का सिर्फ 75% पे करेंगे, और अगर उनका एनुअल प्रोडक्शन वैल्यू रुपीज में अबव 75 लाख होता है तो उन्हें 100% एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। देन इज आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम। 1960 में आरबीआई ने ये क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इस स्कीम के हिसाब से अब आरबीआई जो है वो गारंटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करेगा, चाहे कोई भी एडवांस जो वापस अनपेड रह गया, वापस पे नहीं करा गया, इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया, कोई और रिकवरेबल चार्जेस, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट से नहीं लिया जाएगा, वो आरबीआई ही उसको सेट ऑफ करेगा। देन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है कंसेशन टर्म्स पे कमर्शियल बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। बहुत सारी स्कीम्स इसमें चली जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड SIDF स्कीम 1986 और इवन नेशनल इक्विटी फंड NEF इन 1987। टेक्निकल कंसल्टेंसी। अगर SSI यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए रूरल इंडस्ट्रीज को बेसिकली कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी सेटअप करा गया अक्टूबर 1982 में। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को ये ट्रेनिंग अवेल करने के लिए सिर्फ फीस का 20% ही पे करना होगा, बाकी बचा हुआ बैलेंस 80% वो IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको बियर करेगा। तो ये भी एक इनको बेनिफिट है।
फिर अगर इनके प्रोडक्शन में कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC उस मशीन की सप्लाई भी अरेंज करेगी हायर परचेज बेसिस पे इन SSI यूनिट्स को। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनका चार्ज होगा अगर कोई टेक्निकली क्वालिफाइड व्यक्ति इसको अप्लाई करता है या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, तो जो अमाउंट इनको चार्ज होगा वो 10% ही होगा एज कम्पेयर टू 15% जो नॉर्मली चार्ज करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, एक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम थी 1971 में, उन्होंने ग्रांट प्रोवाइड करा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का स्मॉल स्केल यूनिट्स को, कुछ सेलेक्टेड एरियाज के अंदर 75% तक सब्सिडी मिलेगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर जो रॉ मटेरियल की लगती है जब वो रॉ मटेरियल इस यूनिट के अंदर आएंगे या फिर फिनिश गुड्स जब उन सेलेक्टेड एरिया से बाहर जाएंगे। देन इज ट्रेनिंग फैसिलिटीज, EDP हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन और NSIC, ये एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल दोनों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। देन वी हैव मार्केटिंग असिस्टेंस, ना सिर्फ प्रोडक्शन करने में, सेटअप करने में, बल्कि जो NSIC है या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO, इसके बारे में भी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये, और बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन नहीं उनकी मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं कि वो कैसे डोमेस्टिक या फॉरेन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेल कर पाए। देन देर आर DIC, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा DIC का, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से DIC जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर दिए गए हैं। इनका भी काम क्या है, असिस्टेंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, चाहे क्रेडिट गाइडेंस के लिए हो, रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए हो या फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर। सो दिस वॉज ऑल विच वी हैड रिगार्डिंग स्मॉल बिजनेस इन द सब्जेक्ट ऑफ ESBM। वी विल बी कवरिंग मोर सच टॉपिक्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।